नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ले चल रहे हैं हैदराबाद। पर्ल सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है। इस शहर के बीचों बीच स्थित चार मीनार हैदराबाद का आइकॉनिक लैंडमार्क है। पुराने हैदराबाद सिटी में होने के चलते जाम वहां की स्थायी पहचान बन गई थी, लेकिन अब नगर विकास विभाग इस इलाके को संडे फंडे इवेंट का नया केंद्र बनाने जा रहा है। यानी अब हर रविवार को चार मीनार का पूरा इलाका नो एंट्री जोन रहेगा। इस कार्य की जिम्मेदारी हैदराबाद सिटी पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि शहर के नागरिकों को साफ सुथरी, प्रदूषण मुक्त और मनोरंजक गतिविधियों से भरपूर एक शाम मिले, इसके लिए सप्ताह में एक दिन चार मीनार को ट्रैफिक मुक्त रखने की पहल की जा रही है। इवेंट का नाम दिया गया है एक शाम चार मीनार के नाम। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पिछले दिनों चार मीनार को संडे फंडे इवेंट का सेंटर बनाने के लिए टीआरएस सरकार से अपील की। कहते हैं कि सांसद की मांग पर विभागीय मंत्री केटीआर ने अपने सचिव और पुलिस आयुक्त को जरूरी इंतजाम करने का आदेश दिया। 14 अक्टूबर को सांसद ओवैसी की मौजूदगी में विशेष सचिव अरविंद कुमार और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने चार मीनार इलाके का दौरा किया। साथ ही इवेंट के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम, गाड़ियों की पार्किंग और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर योजना को फाइनल टच दिया। आपको बता दें कि हैदराबाद की पहचान से जुड़ा चार मीनार 430 साल पुराना है। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में मोहम्मद अली कुतुब शाह ने कराया था, जो कुतुब शाही वंश का पांचवा निजाम शासक था। चार और मीनार दोनों उर्दू शब्द हैं, जिसका अनुवाद चार स्तंभ है। यह चार मेहराबों से युक्त ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण ग्रेनाइट, चूना पत्थर और चूनित संगमरमर से किया हुआ है। इसको स्मारक और मस्जिद दोनों माना जाता है। चार मीनार देश की उन ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारकों में शामिल है जिसकी सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के पास है। चार मीनार का इलाका पुराने हैदराबाद के बड़े व्यापारिक केंद्र में शुमार है, जहां की कई प्रसिद्ध बाजार हैं। हैदराबाद आने वाले पर्यटक यहां जरूर घूमने जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप हैदराबाद जाएं तो हम आपसे निवेदन करेंगे चार मीनार अवश्य जाएं, क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट्स के जरिए हमें अवगत कराएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।